हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिटिकल स्टडी में। आज है 25 अप्रैल 2023 और 25 अप्रैल 2023 से करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो उनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर पूर्व भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, गुवाहाटी। गुवाहाटी में पहले एम्स का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अपनी कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है, तो किसने लॉन्च की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, SBI ने, ठीक है ना। अब SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है मुंबई में, और इसके चेयरपर्सन कौन है, दिनेश कुमार खरे जी हैं इसके चेयरपर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, यानी आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 पर शीर्ष पर रहा है, ठीक है ना। तो अब बात है आंध्र प्रदेश की, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, अमरावती। CM कौन है, YS जगन मोहन रेड्डी, और गवर्नर कौन है, अब्दुल नाजिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मद्रास हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, तो किसने मद्रास के हाई अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, जस्टिस भट्ट देवानंद। ये हैं जस्टिस भट्ट देवानंद जिन्हें मद्रास हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के पद के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में बहरीन ने किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंध फिर से शुरू किए हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, कतर ने, ठीक है ना। अब बात है कतर की, तो ये है मैप में कतर, ठीक है ना। कतर देश ने बहरीन ने कतर देश के साथ अपने राजनयिक संबंध फिर से शुरू किए हैं। अब बात है कतर की, तो कतर की कैपिटल क्या है, दोहा है कतर की कैपिटल, ठीक है ना, दोहा है कतर की कैपिटल। करेंसी क्या है, कतरी रियाल। प्राइम मिनिस्टर कौन है, मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी, ये हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार मिला है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा, कुमार मंगलम बिरला। ये हैं कुमार मंगलम बिरला जिन्हें बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर पहले बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी राइट है, नई दिल्ली। अब ये है दिल्ली मैप में, बात है दिल्ली की, दिल्ली की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। चीफ मिनिस्टर कौन है, अरविंद केजरीवाल। और एक बात है, केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जैसे राज्य में गवर्नर होते हैं वैसे केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, विजय कुमार सक्सेना है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को टाइम्स के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन शाहरुख खान होगा, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। टाइम्स के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शाहरुख खान जी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, घाना। तो घाना की बात है, तो ये है मैप में घाना, ठीक है ना। घाना की कैपिटल क्या है, आक्रा। राष्ट्रपति कौन है, जॉन अता मिल्स। और करेंसी क्या है, घनियन सेडी जो है यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दसवां क्वेश्चन है, हाल ही में अमन सहवरारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, स्वर्ण पदक जीता है। ये हैं अमन सहरावत जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्यारहवां क्वेश्चन है, हाल ही में
पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, उत्तराखंड ने। अब बात है उत्तराखंड की, तो ये है मैप में उत्तराखंड, और उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी। और गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए मंच लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा, श्रीलंका। ठीक है ना, श्रीलंका के साझा के लिए मंच लॉन्च किया है। अब बात है श्रीलंका की, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्रीलंका की दो कैपिटल हैं, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। पीएम कौन है? दिनेश गुरवर्धने। प्रेसिडेंट कौन है? रनिल विक्रम सिंह है यहाँ के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो किसने किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट होगा, तेलंगाना राज्य ने। तेलंगाना राज्य ने भारत की सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अब बात है तेलंगाना की, ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे बंदरगाहों पर 11वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है? तो किसने संबोधित किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, नितिन गडकरी जी, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने बंदरगाहों पर 11वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है। ये हैं नितिन गडकरी जी। ठीक है ना, अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे किस तारीख को मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आशा करता हूँ आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में इस वीडियो को लाइक करें व अपने उन दोस्तों के शेयर करें जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद।